हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कटिंग एंड स्टिचिंग ऑफ बेल्ट ब्लाउज विद लाइनिंग, जिसका मेजरमेंट इस प्रकार है। लेंथ 14.5 इंच, शोल्डर टू शोल्डर विड्थ 13 इंच, शोल्डर लेंथ 7 इंच, चेस्ट 43.5 इंच, वेस्ट 38 इंच, लेंथ ऑफ फ्रंट नेक 7 इंच, लेंथ ऑफ बैक नेक 9 इंच, विड्थ ऑफ नेक 6.5 इंच, स्लीव्स लेंथ 6 इंच, आर्म राउंड हाफ 7.5 इंच। ये मेरा लाइनिंग का कपड़ा है और ये मेरा मेन कपड़ा है। तो हम लाइनिंग के कपड़े को उसी हिसाब से काटते हैं जिस हिसाब से हमारा मेन कपड़ा होता है। ये मेन कपड़ा हमारा विड्थ वाइज लेंथ है, तो हम लाइनिंग भी विड्थ वाइज लेंथ को लेंगे और उसको कटिंग करेंगे। पहले हम लाइनिंग के कपड़े में ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग करते हैं। इसका एक फायदा ये होता है, अगर हमारे से कहीं गलती हो जाए तो हमारा मेन कपड़ा वो खराब नहीं होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंथ प्लस 1 इंच लेंगे, क्योंकि ये बेल्ट वाला ब्लाउज है तो हम लेंथ प्लस 1 या 1.5 इंच लेते हैं। लेंथ है हमारी 14.5, उसमें 1.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 इंच। ये 16 इंच की लाइन लगाएंगे और इस लाइन से हम अपना शोल्डर टू शोल्डर विड्थ यानी कि तीरे का नाप लेंगे। खुले भाग से रख करके इंची टेप को शोल्डर टू शोल्डर विड्थ का हाफ प्लस हाफ इंच लेंगे, जो है 13 का हाफ हो जाएगा 6.5 प्लस हाफ हो जाएगा 7 इंच। उसके बाद हम यहां से शोल्डर लेंथ लेंगे, शोल्डर लेंथ है हमारी 7 इंच, और यहां से क्रॉस मार्क करेंगे जितना ये है हमारा, ये 7 है, यहां से भी ऐसे 7 इंच लेंगे। हाफ इंच कम लेकर के इन दोनों लाइंस को हम यहां मिलाएंगे। उसके बाद यहां से लेंगे सीने का 1/4 प्लस 2.5 इंच। ये ब्लाउज है, इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो, क्योंकि इसमें हम प्लेट्स इंसर्ट करते हैं। सीना है हमारा 43.5, उसका 1/4 हो जाएगा 10.75 प्लस 2.5 हो जाएगा 13 इंच। इसको हम ये एक मार्किए, इन दोनों को ऐसे मिला करके अब आ जाएंगे हम वेस्ट लेंथ पे। वेस्ट है हमारी 38, उसका 1/4 हो जाएगा 9.5 प्लस 2.5 हो जाएगा 12 इंच। इन दोनों को ऐसे स्ट्रेट मैनर में हम मिला देंगे। अब यहाँ पर हम अपनी नेक बनाएंगे। टॉप पर नेक की हमारी विड्थ है 6.5, उसका हाफ हो जाएगा 3.25, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम बायस टेप लगा करके नेक बनाएंगे। लेंथ है हमारी नेक की 7 इंच, तो ये टोटल 7 इंच लेंगे, बॉक्स बनाएंगे और अपने नेक की जो है कर्विंग देंगे। और उसके बाद यहां से शोल्डर लेंथ से हाफ इंच लेकर के ये कंधी गिराएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर अपनी फ्रंट स्लीव की कर्विंग करेंगे। अब हम इसमें प्लेट इंसर्ट करेंगे, तो फर्स्ट प्लेट की हमारी लेंथ है 10.5 इंच। 10 इंच तैयार है, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेने हैं तो 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहां से जो विड्थ है वो है 2.5 इंच, तो ये 2.5 इंच पे क्रॉस मार के ये हमारी फर्स्ट प्लेट पर डल जाएगी। ये हाफ इंच प्लेट होती है। सेकंड प्लेट हमारी है 12 इंच पे, तो हम 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर के, और विड्थ में है 4 इंच, यहाँ से ऐसे रख करके 4 इंच पर ये प्लेट डलेगी हमारी, और यहाँ से भी हम इसको 4 इंच लेंगे और इसको यहाँ से यहाँ ऐसे मिला देंगे, क्योंकि यहाँ नीचे बेल्ट लगानी है तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये दो प्लेट्स हमारी नाप से डलती हैं और दो प्लेट्स हमारी
अंदाजे से डालते हैं। तो यहाँ से हम पहले इसको नापेंगे, ये 2.5 है, इसको थोड़ा सा ऐसे क्रॉस करके 2.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 5 to 6 के बीच में जहाँ भी ये लाइन थोड़ी सी तिरछी होती है ये निशान लगा करके इसको इसके साथ मिला देंगे। ये भी हमारा 1/2 इंच का प्लेट डलता है। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ भी लगभग 2.5 इंच पर एक निशान लगाते हैं और इसको इससे क्रॉस करते हुए ये वाला निशान यहाँ लग जाता है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि ये राउंड शेप आ जाए बीच में। अब हम इसमें बेल्ट इंसर्ट करेंगे, उसके लिए हम नेक पोर्शन वाली साइड से ले रहे हैं 3.5 इंच और इस फिटिंग वाली लाइन पर ले रहे हैं 2.25 इंच और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे स्ट्रेट मैनर में मिला देंगे। ये थोड़ा सा स्लांट आएगा, यहां पर ज्यादा होता है और यहां से यहां 1 से 1.5 इंच कम होता है। कटिंग इस प्रकार से होगी। बैक पल्ला बनाने के लिए हम कपड़े को उतना ही फोल्ड करते हैं जितना हम फ्रंट पल्ले पर उसे एडजस्ट कर सकें और उसको उसके पर एडजस्ट करके अब हम यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि बैक में हमने डिज़ाइन वाला गला बनाना और उसमें लूप्स लगानी है, तो इसको स्ट्रेट काट करके यहाँ से बैक जो हमारा बाजू है उसकी गोलाई देंगे थोड़ी सी फालतू फ्रंट से और इसकी साइड से ऐसी लाइन लगा करके इसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम ये बेल्ट की कटिंग करते हैं क्योंकि इसके अंदर हम कपड़ा लगा करके दोबारा से बेल्ट को ज्वाइन करते हैं। अब इस बचे हुए कपड़े में से हम अपनी बाजू बनाएंगे। बाजू हम सिंपल बाजू की तरह बनाते हैं। लाइनिंग की कटिंग करने के बाद अब हम इसको मेन कपड़े पर रख करके कटिंग करते हैं। ये हम 1/2 इंच नीचे छोड़ देते हैं लाइनिंग का मोड़ने के लिए और इसकी साइड साइड में से ये हमारी बैक पीस की कटिंग हो जाएगी क्योंकि ये हम डिज़ाइन अपने बैक में लेंगे और इस साइड से हम अपने फ्रंट पीस की कटिंग कर देंगे और फिर उसके बाद हम ये हमारी स्लीव्स हैं इसको एडजस्ट करके हम अपनी स्लीव्स की कटिंग भी कर देंगे। स्टिचिंग में अब हम इसको लाइनिंग के साथ जोड़ेंगे कट स्टिच द्वारा यहाँ से यहाँ और जब हम यहाँ आएंगे तो ये हमारा एक्स्ट्रा होगा तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से यूँ 1/2 इंच इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इसको रख करके ऊपर इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसी प्रकार हम बाजुओं में भी पहले लाइनिंग जोड़ेंगे और ये हमारा फ्रंट दोनों पीस हैं इसमें भी हम लाइनिंग जोड़ेंगे। ये बेल्ट में हम बाद में जोड़ते हैं लाइनिंग को, तो पहले हम ये सारा कंप्लीट करके फ्रंट पीस बैक पीस और बाजू कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँगी। लाइनिंग लगाने के बाद अब हम जो हमने ये प्लेट्स लगाए थे इसको हम डार्क करके इस साइड भी टैपिंग कर लेंगे और बैक साइड में जो हमारा ये फिटिंग वाला प्लेट है ये वाला प्लेट, ये क्योंकि इधर नीचे बेल्ट लगनी है तो ये इतनी लेंथ बढ़ जाएगी इसकी और ये वाला प्लेट भी हम ड्रॉ कर लेंगे और अब इसको प्लेट्स को हम सिलाई करेंगे। ये हमारी पट्टी की साइड वाली प्लेट है, ये 1/2 इंच की डलती है। ये दोनों प्लेट भी इसी तरह 1/2 इंच के डलेंगे। ये वाला प्लेट हमारा फिटिंग प्लेट है, ये 1 इंच का होगा। इसी तरह ये बैक में दोनों प्लेट्स भी 1 इंच के डलेंगे। ये हमारा 1 इंच का प्लेट है। प्लेट्स डालने के बाद रॉन्ग साइड से हमारा ब्लाउज इस प्रकार दिखाई देगा और राइट साइड से ये इस प्रकार दिखाई देगा, इसमें यहाँ पर बल्ज आते हैं। तो अब इसके बाद हम इसके नीचे बेल्ट लगाएंगे, वो इस प्रकार लगेगी।
ये हमारी बेल्ट का कपड़ा है और ये लाइनिंग का कपड़ा है। हम इसको इस प्रकार रखेंगे, ये राइट टू राइट मैच करेंगे और इधर इसको भी हम ऐसे राइट टू राइट मैच करेंगे इस तरह से। और इसके नीचे हम ये लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे और इसको राइट टू राइट मैच करके ऐसे रखेंगे और नीचे लाइनिंग के कपड़े को ऐसे रखेंगे, यानी कि लाइनिंग की साइड लाइनिंग होनी चाहिए और ये वाले कपड़े की साइड हमारा राइट कपड़ा होना चाहिए। और पहले सिंपल स्ट्रेट में इन तीनों कपड़ों को सिलेंगे, यानी कि ब्लाउज का जो पीस है वो इसके बीच में आ जाना चाहिए। दोनों बेल्ट्स जोड़ने के बाद अब ये ध्यान रखना है कि ये जो बेल्ट का ज्यादा वाला हिस्सा है और जो स्लांट हिस्सा है ये ऊपर होना चाहिए और ज्यादा वाला हिस्सा इस तरफ होना चाहिए, बटन पट्टी की तरफ। अब इसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये पूरा जो है अंदर जाना चाहिए इस प्रकार से, और इसको यहां से यहां ऐसे इस जो हमारा ये ब्लाउज पीस है ये इसके अंदर चला जाएगा और यहां से यहां हम इसको पूरी सीधी सिलाई लगाएंगे। ये मैं लगा करके आपको बताती हूँ। ध्यान रहे कि ये ब्लाउज का कोई भी हिस्सा इस सिलाई के बीच में नहीं आना चाहिए, तो इसको बहुत ध्यान से हमने सिलना होता है। और इस प्रकार हम दोनों ब्लाउज में पहले सिलाई लगाएंगे। सिंपल सिलाई लगाने के बाद अब हम इस ब्लाउज को इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे। ये इस प्रकार सिलाई लगती है, इधर से भी ये गुम सिलाई होती है और यहां से भी ये गुम सिलाई होती है। अब हम इसके जो ये हमारी स्लांट वाली सिलाई है इसके ऊपर यहाँ एक प्रेस सिलाई लगाएंगे। ऊपर और नीचे प्रेस सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें हुक बटन पट्टियां लगाएंगे। ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है। राइट साइड में हम हुक्स लगाते हैं और लेफ्ट साइड में हम लूप्स बनाते हैं। तो जो ये लाइनिंग का कपड़ा है इसको हम राइट साइड लगाएंगे इस तरह से, यहाँ सिलाई लगाएंगे और इसको पूरा का पूरा अंदर फोल्ड कर देंगे और ये हमारा रॉन्ग साइड से लगेगा इस प्रकार। रॉन्ग साइड में ऐसे लगाएंगे और इसको हम ऐसे घुमा करके राइट साइड में लाएंगे। ये मैं लगाना बताती हूँ, ये पहले पूरा लगा करके इसको रॉन्ग साइड फोल्ड करती हूँ। हुक पट्टी पूरी अंदर फोल्ड करने के बाद हम इसको टेम्परेरी स्टिचिंग करते हैं और बाद में इसको हैंड स्टिचिंग करके अंडू कर देंगे। तो ये कंप्लीट करने के बाद अब हम दूसरी साइड वाली स्ट्रिप पे आते हैं। इसका राइट साइड और इसका रॉन्ग साइड हम ऐसे रख करके इसको स्टिच करेंगे। पहले इस स्ट्रिप को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पर सिलाई है और यहाँ तुरपाई नहीं होती है। तो इस तरह फोल्ड करने के बाद हम इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे रॉन्ग साइड की तरफ से और इसको सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इस पट्टी वाली सिलाई पर एक प्रेस स्टिचिंग लगाएंगे। उसके बाद हम राइट साइड में आएंगे और इसको हाफ इंच ऐसे फोल्ड करके इस जो अभी हमने सिलाई लगाई थी इसके ऊपर ऐसे रख करके पूरी यहां तक स्टिच कर देंगे और इसके ऊपर हमारे बनेंगे लूप्स। हुक पट्टी कंप्लीट करने के बाद अब हम इस गले में बायस टेप लगाएंगे और उसको कट करके अंदर जैसे हम बैक गले में फोल्ड करते हैं वैसे करेंगे। शोल्डर जॉइनिंग बाद में करेंगे क्योंकि
हमने बैक नेक बनाना है। ये नेक सिंपल नेक की तरह बनेगा, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। केवल इस नेक में मैं आपको डोरी इंसर्ट करना बताऊंगी। फ्रंट गले में इस प्रकार बायस टेप लगाने के बाद अब हम बैक गला बनाएंगे। बैक गला मैंने पिनअप कर लिया है। अब यहाँ से जो चौड़ाई है हमारी, हमने मेजरमेंट लेकर के 6.5 इंच ये चौड़ाई सेंटर लाइन को मैच करके ये पिनअप करने के बाद अब हम इसकी साइड साइड में सिलाई लगाएंगे। और जब हम डिज़ाइन के इस सबसे कम वाले पार्ट में आएंगे तो हम यहाँ से इसको इसके नीचे रख करके हाथ से फील करते हुए यहाँ पर इसको जो हमारी ये लूप है इसको फिक्स करेंगे। इसी प्रकार दूसरी लूप को हम इस साइड इसके नीचे ले जा करके ऐसे फिक्स करेंगे। ये पूरी सिलाई लगाने के बाद बीच में से हम कट करेंगे और स्मॉल कट्स लगा करके इसको रॉन्ग साइड में ले जाएंगे। लूप को इस प्रकार लगाने से इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। अब हम इसके साथ ये अपना राइट टू राइट मैच करके इस तरह शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये हमारी जो बायस टेप है बाहर निकाल के इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ से यहाँ तक जॉइंट करेंगे। इसी तरह हम इस साइड भी करेंगे। उसके बाद हम इसकी फिटिंग दोबारा से नाप करके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अपने मेजरमेंट के अनुसार फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें बाजू जॉइंट करेंगे, जो सिंपल बाजू की तरह लगेगी। तो ये हो गया हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज तैयार। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।